Assalamualaikum viewers, तो कैसे हैं आप? मैं हनूर, आज मैं लाई हूं आपकी जबरदस्त सी वीडियो। आज मैं आपको अपने खास फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। यस करें, कौन है वो? माय फ्रेंड एलोवेरा। आज मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा जेल के क्या क्या फायदे हैं, आप इसको किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान में मिलने वाले अफोर्डेबल एलोवेरा जेल के बारे में भी बताऊंगी। एलोवेरा को कुवार गंदर भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ स्किन डिजीज में फायदेमंद साबित होता है। आपको इसका पौधा किसी भी नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा। बस इस्तेमाल करने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि ये बड़े साइज का हो ताकि ये अच्छे से अंदर से पक चुका हो। आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इससे पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लें। गाइस, ये आपने प्लीज अपने माइंड में बिठा लें कि एलोवेरा जेल हर स्किन टाइप को जो है सूट नहीं करता। किसी किसी को जो है इससे एलर्जी भी होती है, तो आपने इसे पहले पैच टेस्ट करना है। अगर आप बाजार का यूज करें तब भी आप कर लें, बेहतर है। और अगर आप नेचुरल एलोवेरा यूज करें तब भी आप पैच टेस्ट कर लें। आपने क्या करना है, आप इसको फेस के ऊपर थोड़े से एरिया के ऊपर जो है 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप देखें कि अगर आपको कोई रैश नहीं हो रहा या कोई एलर्जी नहीं हो रही, कोई जलन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि आपकी स्किन को एलोवेरा जेल से कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप इजीली यूज कर सकते हैं, पर प्लीज पहले पैच टेस्ट ले लें, क्योंकि काफी लोगों को जो है वो एलोवेरा से एलर्जी भी होती है, तो बेहतर है कि आप उसे पहले पैच टेस्ट कर लें। ये तो था नेचुरल एलोवेरा जेल। अब हम आते हैं मार्केट वाले एलोवेरा जेल की तरफ। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसे आप लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। मेरे पास यस नाउ कंपनी है, यस नाउ कंपनी के एलोवेरा मौजूद है। ये ऑल स्किन टाइप्स वाले के लिए यूज कर सकते हैं। इसको आप एक्ने, पिंपल्स, स्कार्स और रिंकल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको फेस वॉश करने के बाद एज अ मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एलोवेरा जेल से घर पे बाजार जैसा प्राइमर बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको जो चीजें चाहिए हैं वो है एलोवेरा जेल 2 टेबलस्पून, 1/2 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन, अगर ड्राई स्किन है तो स्वीट आलमंड ऑयल 2 to 3 ड्रॉप्स, और अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप इसके अंदर टी ट्री ऑयल ऐड कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हम ये चीजें निकालते हैं। अगर आपके पास जो है ये बाजार का एलोवेरा जेल नहीं है तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं, पर ये जो है ये काफी लंबे अरसे के लिए स्टोर आप कर सकते हैं, उसको आप लंबे अरसे के लिए स्टोर नहीं कर सकते। आपने लेना है 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है। ठीक है, आपने 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल लिया और 2 to 3 ड्रॉप्स जो है आपने स्वीट आलमंड ऑयल ऐड करना है, और 1/2 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन। इसको आपने कुछ तरह से मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि इसने एक सिलिकॉन बेस की शक्ल इख्तियार कर ली है, जैसे एक सिलिकॉन बेस प्राइमर मिलता है। अब आप इसको एज अ प्राइमर अपने स्किन पे यूज कर सकते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी काफी ठीक है, काफी स्मूथ है, जैसे बाजार का प्राइमर होता है सेम वैसा है। इससे आपका मेकअप स्मूथ हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अब मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।